देखो 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 ये इसका सांस का आवाज आ रहा होगा, इसे समझ में आ रहा होगा कि गुस्सा कितना है इसके अंदर। हेलो फ्रेंड, एग्जाम खत्म हो गया, मैं भी रिलैक्स हूँ और मैं हूँ अभी घर पे। आपको मैं दिखाता हूँ अपना किचन गार्डन, पढ़ाई से अलग वीडियो है ये, और ये बस रिलैक्स करने के लिए है। और ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक फूल है जिसको क्या कहते हैं, कनेक नहीं, धतूरे का फूल। इसमें 3 लेयर है, 1, 2 और 3, 3 लेयर में होता है अक्सर। हाँ, आप लोग देखे होंगे 1 लेयर का होता है, पर इसमें 3 लेयर का है। आपको मैं अच्छा, यहाँ से बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये गांव का, गांव घर का झोपड़ी, ये फूल, और यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये कद्दू का कद्दू है जिसको लौकी कहते हैं, और दिल्ली में क्या कहते हैं इसको, घिया। दिल्ली में इसको घिया कहते हैं, लौकी कद्दू जो भी कह लो आप लोग। और ये कितना फला है ये मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा, अब तो कम हो गया, ठंड बढ़ गई है, तो शायद ठंड के सीज़न में नहीं होता है, बहुत सारा जो कीड़ा अटैक कर देता है जिसके कारण नहीं हो पाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये प्याज का पत्ता, ये धनिया का पत्ता, ये भी प्याज, उसके अलावा यहाँ बैगन, ये भंटा, और ये देखो ये कद्दू। ये देखो कितना है, कितना सर मजा आता है। नहीं, टाउन के भागदौड़ से दूर गांव घर में अगर कुछ दिन रहने के लिए मिल जाए। अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि खुद के लिए उपजाया गया है तो थोड़ा सा भी खाद का यूज नहीं किया गया है। इसका जो टेस्ट है वो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता है कहीं पे भी मिल जाए। बिल्कुल प्योर स्वाद जो कहते हैं ना वो मिलता है, और कितना भी खर्च कर लो आपको शहर में नहीं मिल सकता ये टेस्ट। दिख रहा है, और क्या दिखाऊं, गांव देखने में आप लोगों को मज़ा भी आता होगा, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव से नहीं हैं और जिनका रिलेशन गांव से नहीं है। मैं अभी जैसे ही टेस्ट खत्म हो गया, एग्ज़ाम हो गया बीपीएससी का, मैं सीधा गांव आ गया। यहां से अच्छा जगह कुछ नहीं हो सकता रिलैक्स करने का। ये है किचन गार्डन, छोटे छोटे क्यारी बने हुए हैं, उसमें अलग अलग चीज़ लगा हुआ है, वहाँ इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन इन सब में भी लगा हुआ है, लेकिन अभी निकला नहीं है जो भी चीज़ है। और यहाँ से आप देख सकते हो, ये है भिंडी, ये सरसों, गांव के हिसाब से सरसों कम है, लेकिन हाँ ये सरसों के सामने में खेत है। DDLG का मूवी याद आ जाता होगा, सरसों का खेत देखिए। अच्छा हाँ, ये देखो, ये हड़प्पा काल का सीन याद आएगा इसको देख के, क्योंकि अब तो गांव घर में देखने को मिल भी जाता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता। इसके अंदर, ये इसके अंदर गाय को खिलाने के लिए भूसा है, और इसके अंदर अनाज भी रखा जाता था पहले, भूसा के अंदर अनाज भी रखा जाता था, और गाय को खिलाने के लिए है। मैं गाय तो नहीं, भैंस दिखा सकता हूँ, गाय तो नहीं है यहाँ पे भी, भैंस दिखाया जा सकता है। ये है पालक का खेत, ये है लाल साग, और ये देखो, अरे ये बदमाश, इसी के लिए देखो 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 ये इसका सांस का आवाज आ रहा होगा, इसे समझ में आ रहा होगा कि गुस्सा कितना है इसके अंदर। ये देखो, ये छुड़ा के मारना चाह रही है, गुस्सा देखो देखो।
अगर अभी खुल गया तो मेरी खैर नहीं। सांस मैंने गुस्सा में देखना सांस किसी ले बांधा तो मारते क्या थी। देख अभी इसका बस चल जाए तो उठा के पटक दे। गुस्सा का नहीं। अच्छा गुस्सा का प्रदर्शन कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकती है। और इस फूल को मैंने पहले भी दिखाया था, अब देखो इसको। एक तो ये कि तीन स्टेज है इस फूल का। दूसरा इसके अंदर जितना कली है ये दिख रहा होगा, इतना कली शायद ही किसी इस तरह के पेड़ में देखने को मिले, बहुत है। और ये एकदम अनयूजुअल है, एकदम नहीं मिलता देखने के लिए। और क्या दिखाऊं आपको यहाँ गांव घर में। ये मैं आप लोगों को छत के ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये आप देखो, ये जो भी है ये क्या है, हाँ पड़वल, पड़वल का पड़वल इसमें होगा अभी कहीं। हाँ देख मुझे, ये आपको यहाँ पड़वल दिख सकता है। ये जो पॉइंट देखो, पड़वल फला है तो ये पड़वल की लत्ती है, इसको लत्ती कहा जाता है। तो ये जितना दिख रहा है दूर तक, ये सारा पड़वल की यहाँ पे खेती हो रही है, टोटल पड़वल ही पड़वल है। और इसके पीछे वो शायद अदरक का पेड़ है, शायद ये वाला शायद अदरक का पेड़ है। अदरक का नहीं होगा, अदरक का सीजन अभी नहीं है, कुछ और होगा, क्या है ये नहीं पता, कुछ है। लेकिन ये सोलर प्लेट है, ये गांव का नहीं है। अच्छा आप दिखा दो, ये देखो नींबू का, ये सब चीज यहाँ देखने को मिलेगा। एक और चीज जो पुराने जमाने का है, पुराना घर है, पहले के जमाने में इस तरह के जो जो खपड़ा कहते हैं ना, खपड़े का घर, पहले के जमाने में इस तरह का जो खपड़ा का घर था वो होता था इसके बीच में, वहां दिख रहा होगा अंदर में आंगन हुआ करता था। तो एक तरह से अभी के जमाने के लिए जो मॉडर्न एरा है, जो बिल्कुल ही गांव नहीं देखे हैं उनके लिए हड़प्पा कालीन सभ्यता टाइप थोड़ा सा बचा है। ये भी टूट जाएगा क्योंकि जैसे हम लोग का घर है टूट के नया बन चुका है, ये अभी बचा हुआ है लेकिन ये भी टूट जाएगा। तो इस तरह के घर पहले बना करता था, हम लोगों का घर भी जो पहले था इसी तरह का था, बहुत पहले की बात है इस तरह का था, अब तो बन गया। तो ये अब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख लो, ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। घर भले वैसा ही हो लेकिन टाटा स्काई, एयरटेल ये सब जगह लगाया है। और ये वो जगह जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जहाँ पे गाय या भैंस के लिए गाय और भैंस का खाना रखते हैं, या इंसान के लिए भी खाना रखा जाता था पहले। पहले इसी के अंदर में धान या धान चावल गेहूं ये सब चीज़ को स्टोर किया जाता था, दाल को स्टोर किया जाता था जो ख़राब नहीं होता था। इधर भी आप देख सकते हो इस तरह के घर अभी बचे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे छत है, ये शायद वो अरहर, अरहर की जो दाल होती है ना, तुअर दाल जिसको कहते हैं, उसका ये है डंटा वंटा, उसको झाड़ने के बाद जो निकला है वो ये है। लेकिन गांव भी बहुत डेवलप हो चुका है, आपको दिख रहा होगा सबके गांव के ऊपर, सबके घर के ऊपर टंकी दिख रही होगी पानी की, ये देखो। तो अब गांव उस तरह का गांव रहा नहीं। ये हमारे पंडित जी, ये देख लो पंडित जी को, अब देखने में क्या है ये, मतलब ये जो जगह है ये रेलवे स्टेशन और NH से कनेक्टेड है। पहले तो झोपड़ी हुआ करता था लेकिन अब लगभग सभी जगह घर बन चुका है, मतलब लगभग झोपड़ी अब कहीं दिखता नहीं है, बहुत कम। ये जो खपड़े का घर है यही आपको थोड़ा बहुत कहीं दिख भी जाएगा, लेकिन अब मैक्सिमम जगह, ये जैसे सामने में वहाँ पे भी खपड़े का घर पड़ा है, बचा है,
तो कहीं कहीं है, लेकिन झोपड़ी तो कहीं नहीं है अब, तो गांव वाली वो फीलिंग नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी भी भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर मुझे रिलैक्स करना है तो गांव का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी भी यहां आने के बाद सबसे अच्छा पता है क्या है, नेटवर्क नहीं आता। जियो हो या एयरटेल हो, उसका 4G नेटवर्क नहीं आता, और 4G नेटवर्क नहीं आता इसका मतलब आपका व्हाट्सअप नहीं चल सकता, फेसबुक नहीं चलता, क्योंकि आप लोगों ने मैसेज किया होगा, मेरे पास एक भी मैसेज नहीं पहुंचा है, मैंने रीड नहीं किया, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बार बार नेट ऑन करता हूँ, 2G के अलावा कुछ नहीं पकड़ता, 2G के अलावा कुछ नहीं आता, और स्मार्टफोन में 2G से काम चलता नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि अभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है गाँव में, और इसके कारण आराम से ये फोटो बहुत अच्छा लग रहा है, यही लगाऊंगा मैं थंबनेल में, हाँ यही थंबनेल में लगाऊंगा पक्का। तो ये फोटो बहुत तो अब आप लोग बताओ कैसा लगा फोटो, ये देख के वीडियो देख के थोड़ा सा तो अच्छा लगा ही होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पता है 4 साल के बाद मैं आया हूँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, 4 साल के बाद टाइम मिला है, कभी कभी होता है ऐसा। और ये वो जगह है जहाँ हम लोग अभी देख रहे थे, नीचे दिख रहा है वो अनाज का वहाँ पे जो गाय भैंस के लिए होता है, तो ये है वो जगह, ये देखो इस दोनों के बीच में है ये घर, और बीच में अच्छा इतना जगह, इतना ज़मीन अगर शहर में होता तो अरबपति होते लोग, खैर यहाँ करोड़पति तो हो ही जाते हैं लेकिन अरबपति होते। और ये जो देख रहे हो इस तरह का मतलब बड़ा बड़ा आंगन होना, जिसको आंगन नहीं कहेंगे ना, इसको दरवाज़ा कहते हैं यहाँ पे, दरवाज़ा इस तरह का बड़ा बड़ा दरवाज़ा जिसके यहाँ होता है तो वो मतलब बहुत बड़े माने जाते हैं, यहाँ पे भी है वैसे, तो इतना बड़ा बड़ा दरवाज़ा, इससे ही बड़ा दरवाज़ा यहाँ पे होता है, इतना बड़ा बड़ा दरवाज़ा रखा जाता है अपने ईगो को खुश करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, मेरे पास बड़ा दरवाज़ा है यूज़ हो या ना हो। अब नहीं होता क्योंकि अब क्या है ना कि मैक्सिमम लोग के यहाँ जो बच्चे हैं वो बाहर चले गए हैं, मेरा भी यहाँ पे क्या है आना, वैसे ही आना होता है कभी, मतलब ओकेजनली आते हैं, और कोई नहीं रहता यहाँ पे, शहर में सब शहर में ही सेटल हो गए हैं, गाँव कहने के लिए रह गया, तो कभी पिकनिक एक तरह से पिकनिक मनाने के हिसाब से, अभी भी 3-4 दिन का छुट्टी है थोड़ा सा, तो चलो भाई गाँव के घूम के आते हैं कि बहुत दिन हो गया, 4 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ, बस इसी के लिए होता है, लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आप लोगों को बताओ आप लोग, और हम लोग मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, चलिए बाय।